हम बात कर रहे हैं NBCC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक 120 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है। हमको इसमें अपर सर्किट भी हिट होते हुए नज़र आया था जब 130 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, और हमने डिस्कस किया था कि 140 के आसपास इसका सर्किट जो है ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इससे पहले हमको इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था। इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जोन था और उसी लेवल से सर्किट ब्रेक हुआ। हमको 144 तक के टारगेट स्टॉक ने दिखाए, 144 तक के, वहाँ से अगेन हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही। लेकिन स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिखाई है अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ही दिखाई है। 134 का लेवल इसका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। जो लेवल है जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था और जिसको ब्रेकआउट करने के बाद हमको सर्किट हीट होते हुए नज़र आए थे, 130 का लेवल। स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ अब अपने इस हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड बदल चुका है। तो वैसे कंडीशन में स्टॉक ऊपर की ओर कंसोलिडेट हो रहा है तो ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अब तगड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 144 का लेवल। हम देख सकते हैं इसी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। अगेन जब जंप आया था गिरावट के वक्त, तो इसी लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद हमको लगातार बड़ी सेलिंग भी देखने के लिए मिली थी। 144 का टारगेट इमीडिएट टारगेट रहेगा अब अपना। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट 150, और 150 के ब्रेकआउट के बाद NBCC में हमको 160 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, और ब्रेकआउट के ही चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड हमको बदलते हुए नज़र आ रहा है। पहले जंप पे गिरावट देखने के लिए मिलती थी, अब जब जंप आ रहा है गिरावट आ रही है तो हमको यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल रही है। बायर एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ से हमको अब छोटी मोटी गिरावट के बाद अगेन जंप देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।